खबर बांदा जनपद से ही बबीरू कस्बे के दशहरा मैदान पर विजयदशमी के पर्व पर रावण मेघनाथ वध का आयोजन किया गया, जिसमें जैसे ही रावण मेघनाथ का वध हुआ तो पंडाल पर जय श्री राम के नारे गूंज उठे। वहीं रावण मेघनाथ के पुतले का दहन किया गया। मामला बबीरू कस्बे के ओगासी रोड दशहरा मैदान का है, जहाँ आज मंगलवार को विजयदशमी के पर्व पर देर शाम रावण लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध का आयोजन किया गया, जिसमें लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध किया। उसके बाद राम ने रावण का वध किया। जैसे रावण और मेघनाथ का वध हुआ तो पूरा दशहरा मैदान जय श्री राम के नारे से गूंज उठा और सभी लोग एक दूसरे को गले मिलकर दशहरे की बधाई दिया। बता दें कि दशहरा के पावन पर्व पर बबीरू कस्बे में विशाल मेला लगता है। मेला में दूरदराज से दुकान भी लगाई जाती है, जिससे क्षेत्रीय लोग पहुंचकर खूब खरीदारी करते हैं। मेले के साथ साथ 177 वर्षों से बराबर दशहरा मैदान पर रावण मेघनाथ वध का आयोजन किया जाता रहा, इस वर्ष भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में दर्शकों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं कस्बे के विभिन्न मोहल्ले से हुए क्षेत्रीय गांव के जवारा भी दशहरा मैदान पर पहुंचे, जिसमें अपना अपना प्रदर्शन किया। इस मौके पर दशहरा मैदान पर जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील सिंह पटेल, चेयरमैन व रामलीला समिति के अध्यक्ष सूर्यपाल यादव, पूर्व चेयरमैन विजयपाल सिंह, प्रबंधक प्रकाश नारायण चतुर्वेदी, आचार्य दिलीप सूरी, नीरज पांडे सहित समिति के सभी पदाधिकारी सहित हजारों की संख्या में दर्शक मौजूद रहे। इस मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से बांदा पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देशन पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था, जिसमें पुलिस क्षेत्राधिकारी राकेश कुमार सिंह, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार सिंह सहित उप निरीक्षक कांस्टेबल महिला कांस्टेबल मेला में मौजूद रही। आज दशहरा मैदान में मेघनाथ लक्ष्मण युद्ध हुआ, लक्ष्मण जी के द्वारा मेघनाथ का वध हुआ, उसके उपरांत राम रावण युद्ध हुआ। धर्म में अधर्म में धर्म की विजय हुई। अधर्म की नाव पर सवार रावण को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, धर्म की नाव पर सवार होकर अधर्म का विनाश किया, रावण का वध किया। यहाँ हमारे पूरे कई जिले से, पूरे क्षेत्र से, बबेरू विधानसभा से लगभग 25 से 30 हजार लोग आते हैं। प्रशासन की सराहनीय व्यवस्था रही, समिति की सराहनीय व्यवस्था रही, समिति में हमारे सभी समिति के सहयोगियों ने भरपूर सहयोग दिया और इस सफल कार्यक्रम से, इस कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ। मेरा शुभ नाम नीरज पांडे, संचालक रामलीला समिति और देवानंद द्विवेदी जी की युवा टीम लगी रही, भरपूर सहयोग मिला। सुधीर गुप्ता जी की टीम लगी रही, पत्रकार बंधु लगे रहे, हमारे सभी के द्वारा हमको निरंतर सहयोग मिला और राम रावण युद्ध संपन्न हुआ। अधर्म में धर्म।